Hello everyone, good morning to all. Hope you all are fit and fine at your homes. So students, today firstly we will do a pledge over COVID-19. Let's start with me. I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask or face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Thank you. Okay, students, now we will revise some important formulas related to perimeter and area. And the first is perimeter of rectangle. So students, rectangle का perimeter क्या होता है हमारे पास? Suppose ये हमारे पास एक rectangle है. तो perimeter of rectangle is equals to 2 multiply length plus breadth. ठीक है? हमारे पास क्या है? 2 lengths होंगी हो गई और 2 breadth हो गई हमारे पास rectangle में. तो इसका पैरीमीटर क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ. लेंथ और ब्रेथ को प्लस करने के बाद आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे. ठीक है, एल से डिनोट करते हैं हम लेंथ को और ब्रेथ को डिनोट करते हैं बी से. क्लियर? सपोज आपके पास यहाँ पर लेंथ गिवन है, लेंथ है आपके पास 1 सेंटीमीटर और ब्रेथ है आपके पास 2 सेंटीमीटर. तो पैरीमीटर क्या होगा आपके पास? पैरीमीटर का फॉर्मूला 2 लेंथ प्लस ब्रेथ 2 मल्टीप्लाई लेंथ है 1 ब्रेथ है 2. इट बिकम्स 2 × 3 = 6 सेंटीमीटर. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे पैरीमीटर क्या आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करना है? एक इसमें होता है हमारे पास लेंथ और दूसरी होती है ब्रेथ. दोनों की जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया आएगा. ठीक है, सो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. सेम 1 सेंटीमीटर हमारे पास लेंथ है, अगर 2 सेंटीमीटर ब्रेथ है तो हमारे पास एरिया क्या होगा यहाँ पर? 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर. इट बिकम्स 2 × 2 सेंटीमीटर × सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर. इसे आप ऐसे भी रीड कर सकते हो, 2 स्क्वायर सेंटीमीटर. ठीक है स्टूडेंट्स, ओके. नेक्स्ट है पैरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर. स्क्वायर का पैरीमीटर क्या होता है हमारे पास? 4 × साइड. ठीक है, सपोज हमारे पास ये स्क्वायर है तो स्क्वायर की साइड हमें यहाँ पर दी हुई है 3 सेंटीमीटर. ठीक है, तो साइड हमारे पास 3 सेंटीमीटर है. अब इसका पैरीमीटर क्या आएगा स्टूडेंट्स? 4 × 3 सेंटीमीटर. इट बिकम्स 4 × 3 = 12. यूनिट क्या है हमारे पास? सेंटीमीटर. सो पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर विद साइड 3 सेंटीमीटर इज 12 सेंटीमीटर. ओके, नेक्स्ट है एरिया ऑफ अ स्क्वायर. तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है स्टूडेंट्स? एरिया ऑफ अ स्क्वायर होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड. ठीक है, या फिर आप इसे रीड कर सकते हो साइड का स्क्वायर. ओके, तो सपोज यही है हमारे पास 3 सेंटीमीटर की एग्जांपल. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 3 सेंटीमीटर. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर. ठीक है, बोथ आर द सेम थिंग्स. सो 3 × 3 = 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर. क्लियर? तो हमारे पास एरिया कितना आया स्क्वायर का? जिसकी हमारे पास साइड 3 सेंटीमीटर थी उसका एरिया आया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर? नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास पैरामीटर ऑफ अ ट्रायंगल. पैरामीटर ऑफ अ ट्रायंगल, सपोज हमारे पास ये ट्रायंगल है. ठीक है,
इसमें हमारे पास ये 2 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, इसका पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करोगे। पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी। ये ए बी सी क्या है स्टूडेंट्स, ट्राइंगल की साइड की लेंथ, ठीक है। सम पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल की साइड्स का आप सम कर दोगे तो आपके पास पेरीमीटर आ जाएगा। जैसे ये गिवन है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर क्या आएगा, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या आया हमारे पास, 6 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। सो होप यू क्लियर ऑल द कंसेप्ट ऑफ दीज फॉर्मूलाज। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।